क्योंकि धंधा करने के सारे रास्तों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो कोई भी व्यापारी या बिजनेसमैन उन गड्ढों में गिर सकता है। अब ऐसे रास्तों पर बिजनेस की गाड़ी को ईमानदारी या मेहनत से चलाना नामुमकिन है। हाँ, पर एक रास्ता है, एक शॉर्टकट है जो दिल्ली के संसद भवन से गुजरता है। वहां कनेक्शन से सारे काम हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि आपके कनेक्शन किससे हैं और कितने ऊपर तक हैं। जितने ऊपर तक आपके कनेक्शन होंगे, आपका बिजनेस उतनी ऊंचाइयों को छू पाएगा। मैंने भी दिल्ली के दरबार में हाजिरी लगाई है। दिल्ली से मेरा रिश्ता बहुत पुराना और बहुत गहरा है। 91 के इलेक्शन के दौरान पार्टी को हमने दोनों हाथों से भर भर के डोनेशन दिया है, मोटी रकम पहुंचाई है, और ये बात पार्टी के प्रचारक से लेकर प्रधानमंत्री तक को सबको पता है। इसीलिए बाय इलेक्शन की डेट्स जब डिक्लेयर हुई तो सबने मुझे याद किया था और मैंने उनके दरबार में भी हाजिरी लगाई थी। इंद्रजीत शर्मा, जॉइंट सेक्रेटरी टू पीएम, उन्होंने मीटिंग फिक्स की। तारीख थी 4 नवंबर 1991। कुंडली निकाल रखी, मुझसे मिलते ही बोले, हर्षद, आवर पार्टी हैज ऑलवेज सीन यू पीपल लाइक आवर फ्रेंड्स एंड टुगेदर वी कैन डू बिगर थिंग्स। पर आज पुलिस, सीबीआई और गवर्नमेंट की छोटी से छोटी एजेंसी एक ही आदमी के पीछे पड़ी, हर्षद मेहता। क्यों? क्योंकि मैंने कोई स्कैन किया नहीं। इसका कारण यह है कि मैं इस देश के प्रधानमंत्री और इस पार्टी के कई लोगों के बारे में बहुत कुछ जानता हूं और सच जानता हूं। बाबरी मस्जिद गिरने की वजह से देश में जो दंगे चल रहे हैं ना, उससे ज्यादा डर तो मेरे परिवार वालों को इन सीबीआई का लगता है। ये सीबीआई मेरे यार मेरे परिवार के साथ कुछ भी कर सकती है। मैं ये वीडियो इसीलिए शूट कर रहा हूं ताकि अगर मुझे कुछ हो जाए तो लोगों को पता होना चाहिए कि इसके पीछे कौन है।